वेलकम बैक एवरी वन टू पैटन प्रोग्रामिंग टूटोरियल तो आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू सी अबाउट आइट्रेशन जो कि फॉर्मलुप और वाइड लुप होता है पैटर्न में तो ये कितने टाइप्स के हैं ये कहाँ यूज़ होते हैं और ये कैसे यूज होते हैं सब देखेंगे हम इस वीडियो में तो लेट्स गेट स्टार्टेड सो लूपिंग और आइट्रेशन ओके सो वॉट इज लुक और आइट्रेशन सो लुक कैन बी एग्जीक्यूट कैन एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड ब्लॉक ऑफ कोड नंबर सॉरी द लूप कैन एक्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड नंबर ऑफ टाइम्स अंटिल सर्टेन कंडीशन इज मेट मतलब कि एक लूप जो होता है वो जब तक उसकी सर्टेन कंडीशन मिलती नहीं तब तक वो एग्जीक्यूट हो सकता है या फिर इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि आइट्रेशन स्टेटमेंट अलाउस इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड अंटिल अ सर्टन कंडीशन इज टू बी फुलफिल्ड मतलब कि जब तक उसकी कंडीशन फुलफिल्ड नहीं होती है तब तक वो आइट्रेशन लूप होते रहता है उसका ओके डन स्टेटमेंट कैन ऑल्सो कॉल एस लुप्स और लुपिंग स्टेटमेंट ओके डाइट्रेशन जो है लुपिंग स्टेटमेंट भी कहा जाता है तो बेसिकली लूप या हाइट्रेशन क्या होता है कि वो एक ब्लॉक ऑफ कोड को नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करता है जब तक तो उसका एक सर्टन कंडीशन मिलता नहीं है ओके okay? तो पाइथन में दो तरह के लूप्स है दे आर टू काइंड ऑफ लूप्स एंड दे आर वाइल्ड लुक्स ऑफ फॉर लुप तो हम इस वीडियो में दोनों टाइप के लुक देखने वाले हैं तो लेट गेट स्टार्टेड विथ अभी वाइल्ड लुक ओके सो वॉट इज वाइल्ड लुक अ वाइल्ड लुक अलाउज जनरल रिपीटेशन बेस्ड अपॉन द रिपीट रिपीटेड टेस्टिंग ऑफ रिपीटिंग टेस्टिंग ऑफ अ बुलियन कंडीशन द दिन फॉर वाइल्ड लुक इन पाइथनी वाइल्ड लिखते हैं उसकी कंडीशन लिखते है और फिर कोलन यहाँ पे देखिए कोलन मस्ट है पाइथन में कोलन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं तो फिर कोलन देख के उस वाइल्ड कंडीशन में उसकी बॉडी ओके वेयर द लूप बॉडी कंटेन द सिंगल स्टेटमेंट और द सेट ऑफ द सेटमेंट ओके तो यहाँ पे आप बॉडी में जितने चाहे उतने स्टेटमेंट लिखते हैं सो वाइल्ड लूप अलाउज अ जनरल रिपीटेशन बेस्ड अपॉन द रिपीटेड टेस्टिंग ऑफ अ बुलियन कंडीशन तो ये होती क्या है आप जब एक एग्जाम्पल देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा तो अभी वापस देखते हैं तो द एक्सप्रेशन ट्रू मतलब जब भी कंडीशन वाइल की कंडीशन ट्रू होती है वो टफ रिपीट होता है लुक घूमता है ओके मतलब कि यहाँ पे कंडीशन है ये वो उसे ऐसा घूमते रहता है वो जब तक कि उसकी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती और फिर वो एक आउटपुट देता है ओके वेन द एक्सप्रेशन बिकम्स फॉल्स द लूप इज टर्मिनेटेड ओके मतलब कि जब उसकी कंडीशन मीट हो जाती है कि मतलब कंडीशन फॉल्ट हो जाती है आखिरी वाली तो फिर वो बाहर निकलता है और आउटपुट प्रिंट करता है तो अब देखते हैं कि अभी यहाँ पे एक छोटा सा कोड है कि मैंने एक वेरिएबल लिया आए नाम का उसको वन असाइन किया है फिर यहाँ पे मैं एक दूसरा बेर लेता हूँ जिसको मैं कोई नंबर असाइन करता हूँ जैसे कि अभी असाइन कर रहा हूं फाइव ओके फिर आई इफ मॉलर और इक्वल टू फाइव तो ये कंडीशन ट्रू है तो यस तो ये कंडीशन ट्रू है तो फिर ये नीचे के लाइन में जाएंगे इस ब्लॉक में जाएंगा और प्रिंट आई करेंगे तो आय क्या है हमारा यहाँ पे वन तो उसने वन प्रिंट किया फिर इसी आय को हमने इंक्रीमेंट किया है इसे इंक्रीमेंट कहना कहते हैं कि हमको जो i की वैल्यू है उसे हमने प्लस इक्वल टू वन से मतलब प्लस वन से इंक्रीज किया है मतलब मैं आपको दिखाता हूं कोड में तो जैसे कि उस एग्जांपल में वाइल लूप के हमने लिया था आई इक्वल टू वन और फिर यहाँ पे मैंने एन इज इक्वल टू फाइव लिया है ओके तो अभी मैं वाइल्ड लूप लगा रहा हूँ वाइल्ड लूप का सिंटैक्स देख लीजिए कि सिर्फ वाइल्ड लिखना है ओके दैट्स इट और फिर यहाँ पे कंडीशन लिखनी है तो अभी कंडीशन में ऐसे लिख रहा हूँ कि i जो है इफ स्मॉलर देन और इक्वल टू n। ओके स्मॉलर देन और इक्वल टू n चाहिए वो अगर ये कंडीशन ट्रू रही तभी वो इस ब्लॉक ऑफ कोड में जाना चाहिए फिर जब भी इस ब्लॉक ऑफ कोड में जाएगा वो प्रिंट करेगा सबसे पहले आय को ओके okay? और फिर इसी आय को मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ उसे बढ़ा रहा हो ओके okay? तो बढ़ाना मुझे उसको एक नंबर से तो आई इज इक्वल टू आय प्लस वन मतलब कि इनिशियली आय वन था फिर वो इस लूप में अगर ट्रू हुआ तो वो उस लूप के ब्लॉक में जाएगा और फिर यहाँ पे एक आय को असाइन किया वापस कि जो पुराना वाला आय है हमारे उसको प्लस वन से ऐड कर लो मतलब ये वन फिर प्लस वन फिर ये टू हो जाएगा फिर वापस अगर ये लूप में आता है कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो ये यहाँ पे टू था फिर प्लस वन हो जाएगा तो थ्री हो जाएगा फिर वापस से आई गोल टू थ्री हो जाएगा ओके तो अभी हम रन करके देखते हैं क्या आता है आंसर अब देख सकते हैं कि यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव फाइव वन टू थ्री फोर फाइव प्रिंट हुआ है क्योंकि यहाँ पे हम एक कंडीशन पुट किए कि i इज इक्वल टू वन है इनिशियली अगर वो स्मॉलर देन और इक्वल्स टू n रहा एन इस कंडीशन में फाइव है अगर ट्रू रहा तो फिर वो आय प्रिंट करेंगा तो i इनिशियली वन था तो उसने या ब्लॉक में गया ट्रू था तो ये प्रिंट हो गया फिर उसके बाद यहाँ पे i इज इक्वल टू आई प्लस वन किया मतलब कि इनिशियली i वन था तो उसको प्लस वन से ऐड किया तो टू हो गया फिर वापस से ऊपर जाएगा तो टू स्मॉलर देन रिक्वस्ट टू फाइव ट्रू है कंडीशन तो यहाँ पे टू प्रिंट हुआ टू तो प्रिंट हुआ फिर यहाँ पे नीचे जाएगा फिर वो i इज इक्वल टू आई जो हमारे था भी टू है तो टू प्लस वन हो जाएगा थ्री फिर वापस ऊपर जाएगा तो थ्री स्मॉलर देन और इक्वल्स टू फाइव कंडीशन ट्रू है तो वापस से ये थ्री प्रिंट करेंगे आई प्रिंट करेंगा वापस आई को इंक्रीमेंट करेंगे फोर के लिए फोर भी फाइव से छोटा है तो वापस से आई को प्रिंट करेंगे जो कि फोर होगा फिर वापस फोर को प्लस वन से इंक्रीमेंट होगा फिर फाइव जो है वो स्मॉलर देन और इक्वल्स टू फाइव मतलब इक्वल्स टू है मतलब ये भी कंडीशन ट्रू है तो वापस से उसने प्रिंट आई किया जो कि प्रिंट फाइव हुआ फिर नीचे जाता है फिर फाइव प्लस वन होता है सिक्स तो आप देख सकते हैं कि सिक्स जो है वो स्मॉलर देन और इक्वल्स टू फाइव नहीं है तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई और वो लूप टर्मिनेट हो गया ओके okay? तो इस तरह से ये वाइल्ड लूप फॉलो होता है चलता है ओके okay? तो जब तक तो उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक तो वो लूप घूमते रहेंगे हाइड्रेड होते रहेंगे ओके okay? तो इस तरह से वाइल्ड लूप चलता है तो अभी ये जो कोर्स है मैं चाहता हूँ कि हम एक सेपरेट वीडियोस बनाएंगे ये सारे प्रोग्राम्स के लिए तो अभी सब हम कंसेप्ट ले क्लियर कर लेते हैं तो अभी फॉर लुप का देखते हैं तो फॉर लुप क्या होता है कि पाइथन फॉर फॉरलुप सिंटेक इज मोर कन्वीनियन कन्वीनियंट अल्टरनेटिव टू अ वाइल्ड लुप ओके तो फॉर लुप जो है ना वो बहुत ईजी और बहुत सिंपल है एज कंपेयर टू वाइल्ड लुप वन आइट थ्रू अ सीरीज़ ऑफ एलिमेंट्स ओके तो ये स्टेटमेंट ऐसा क्यों लिखा है आप जब प्रैक्टिस करोगे आप जब खुद कोडिंग करोगे वाइल्ड लुप और फॉर फॉर्मलुप यूज़ करके तब आपको ये बात समझ जाएंगे द फॉर फॉर्लुप सिंटैक्स कैन बी यूज ऑन एनी टाइप ऑफ आई ट्रेवल ओके मतलब कि फॉर फॉर्मलुप जो है हम कोई भी डेटा टाइप पर यूज कर सकते हैं जैसे कि लेस टपल स्ट्रिंग सेट डिक्शनरी किसी पर भी यूज कर सकते हैं ओके okay? तो उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से कि फॉर फिर यहाँ पे हमें एक एलिमेंट देना पड़ता है इन आई ट्रेबल ओके तो ये आपको इस तरह समझ जाएगा मैं आपको बताता तो हूँ एक एग्जाम्पल से तो यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल लिया है उस एक लिस्ट ली है नंबर नाम की और उस लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स डाले इंटीरियर ओके तो सिंटैक्स कुछ इस तरह से है कि फॉर आई कोई भी एक एलिमेंट इन नंबर यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल एक की तरह है ये फॉर आई इन नंबर मतलब कि आई इन नंबर्स में देन प्रिंट आई ओके तो मैं अभी यहां पे मैं लिस्ट तैयार करता हूं ओके okay, ये हमारी लिस्ट है तो फॉरलुक का सिंटेक्स कुछ इस तरह से ध्यान दीजिएगा कि फॉर आई इन जो हमारे वेरिएबल नाम है इसमें एल वो डालना एल कोलन मस्ट कोलन बोलना नहीं कोलन डालते हुए ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा एंटर फिर यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट आय तो इसमें क्या होता है कि ऐसा बता रहे हैं हम कि फॉर फॉर लुप में क्या होता है कि जो हमारा आय है जो हमने यहाँ पे असाइन किया है वो इस लिस्ट में जाके एक एक पोजीशन पे जाके वो प्रिंट करेगा तो आय जो है प्रिंट करके बताता हूँ मैं आपको देख सकते हैं तो आय जो है पहले यहाँ पे गया इंडेक्स पोजीशन पे जीरो तो उसने पहले टू को प्रिंट किया फिर फोर पे सेकेंड पोजिशन पर गया फिर फोर को प्रिंट किया फिर नेक्स्ट सिक्स प्रिंट किया फिर नेक्स्ट एट्टी फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट तो इस तरह से फॉर लुक एग्जीक्यूट होता है तो इसमें कैसा है कि हमने कोई फॉल्स कंडीशन नहीं डाली है ओके हमने सिर्फ आप बताया कि हमारे पास ऑलरेडी एक लिस्ट है भाई तो बस एक एक करके उसको प्रिंट कर ओके तो उसने एक एक करके सबको प्रिंट किया सिक्वेंस में जीरो से स्टार्ट करके एंड तक मतलब कि उसने फॉरवर्ड से फॉरवर्ड इंडेक्सिंग यूज करके उसने प्रिंट किया है ओके okay? तो इस तरह से फॉर फॉर्मलुप यूज होता है अभी और एक हम देखते हैं फॉर फॉर्मलुप में एक रेंज नाम का कीवर्ड होता है ओके okay? रेंज ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखिएगा द रेंज फंक्शन रिटर्न सिक्वेंस ऑफ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो बाय डिफॉल्ट ओके जैसे हमने इंडेक्सिंग में देखा है कि सिक्वेंस ऑफ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो ओके And इंक्रीमेंट by वन okay? Same uh, indexing जैसा ही है, ये है slicing जैसा है कि range में क्या होता है कि एक function जो है वो zero से start होता है और one by one increment करके वो execute करता है जैसे कि हमने यहाँ पर भी देखा था कि इंडेक्स uh, default zero position start होता है और एक एक increment होता है वो position को और वैसे वो print करता है execute होता है तो range जो है उसका सेंटेक्स और आर्ग्यूमेंस कुछ इस तरह से कि ये रेंज लिखेंगे हम उसका मेथड फिर उसका एक स्टार्ट पोजीशन होगी एक स्टॉप पोजीशन होगी और एक स्टेप साइज होगा अगर आपने ध्यान दिया, दिया होगा तो स्लाइसिंग में हमने ये सब यूज किया है तो ये स्लाइसिंग जैसा ही है लेकिन यहाँ पे हम बस कोलन की जगह पे कॉमा यूज करेंगे ओके तो आप देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है छोटा सा कि फॉर एक्स फॉर एन इन रेंज थ्री कोमा सिक्स प्रिंट एन तो करके देखते हैं ये क्या है फॉर एन यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते आई जे के एन कुछ भी फॉर एन इन रेंज यहाँ पे रेंज नाम का की वर्ड यूज किया है ब्रैकेट यहाँ पे मैं अभी स्टार्ट पोजीशन डाल रहा हूँ थ्री से ओके यानी फिर मुझे एंड करना है मुझे प्रिंट करना है एक्चुअली थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ओके तो मुझे सेवन तक प्रिंट कराना है तो मैं यहां पे सेवन तक प्रिंट कराए तो एक स्टेप ज्यादा लूंगा मतलब कि एट तक एट तक लूंगा कोलन और प्रिंट फिर यूज करूंगा प्रिंट एन ओके तो प्रिंट करके देखते हैं इसे क्लियर कर लेता हूं अब प्रिंट करके देखते हैं तो देखिए उसने थ्री से स्टार्ट किया फिर फोर प्रिंट किया उसने फिर फाइव प्रिंट किया फिर सिक्स प्रिंट किया टेन प्रिंट किया ओके okay? और ध्यान दीजिए ये हर जो प्र, नंबर प्रिंट होता है ये हमेशा एक न्यू लाइन पे प्रिंट हो रहा है ओके okay? क्योंकि ये नई लाइन पे एग्जीक्यूट होता है तो ये नंबर ऑफ टाइम से एग्जीक्यूट हो रहा है इसलिए नंबर ऑफ बार ये नई लाइन पे प्रिंट होता है ओके okay? तो ये रेंज की वर्ड है यहाँ पे यही एग्जाम्पल है जो हमने यूज़ किया अभी तो यहाँ पे हम एक फॉर लुक में लेंथ फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं जो ये मोस्टली नहीं क्या स्ट्रिंग में यूज़ कर सकते हैं अपन जैसे कि अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग तैयार करूँगा एस इज इक्वल टू हेलो ओके okay? तो मैं यहाँ पे अभी फॉर लुप यूज़ करूँगा फॉर आई इन रेंज की वर्ड यूज करूँगा और इस रेंज की वर्ड में मैं ये जो एस एस है हमारा स्ट्रिंग उसकी लेंथ लूँगा लेंथ कितनी है तो लेंथ एक इंटीजर है तो यहाँ पे आ जाएगा और हाँ रेंज में सारे इंटीजर ही चाहिए यहाँ पे फ्लोट नहीं चलता है ओके इंटीजर ही लगता है यहाँ पे, तो रेंज में हमने एस की लेंथ ले ली जो कि वन टू थ्री फोर फाइव फाइव है और फिर मैं यहाँ पे उसे एडिट कर दूँगा कोलन करूँगा और प्रिंट आई करके देखूंगा तो देखते क्या होता है तो देखिए ज़ीरो वन टू थ्री फोर तो टोटल लेंथ फाइव है ना जीरो से स्टार्ट होता है इंडेक्सिंग तो आप देख सकते हैं कि ये जीरो से स्टार्ट हुआ और ये फोर पे एंड हुआ और लेंथ है हमारी फाइव तो यहाँ पे अगर आपने स्टार्ट पोजीशन पे नहीं डाली सिर्फ एक नंबर डाल दिया तो वो एज अ एंड पोजीशन उसको काउंट करेंगे ओके तो लेकिन हमने तो यहाँ पे स्ट्रिंग यूज किया था यहाँ पे नंबर प्रिंट हुए क्योंकि हमने स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो रेंज में यूज किया है ओके अब लेकिन अगर मेरे को ये सब वन बाय वन प्रिंट कराना है तो ये सब इंडेक्स पोजिशन हो ना ज़ीरो वन टू थ्री फोर इस लेंथ की इस हेलो की तो हम इस अगर इसको इंडेक्सिंग की तरह यूज़ करेंगे जैसे कि एस फिर इंडेक्स आए तो आई में एक बार जीरो आएगा एक बार टू आएगा फिर थ्री आएंगा फिर फोर आएगा है ना तो प्रिंट करके देखते देखिए क्या होता है तो देखिए हेलो जो है वो वन बाय वन उसके लेटर्स प्रिंट हो चुके हैं तो इस तरह से हम फॉर फॉर लुक भी यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग में भी ओके okay? तो हाँ तो फॉर लुप और बाइल लुक का तो इतना ही है आप जैसे जैसे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपको कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे और हम आगे की वीडियोस में बहुत से प्रोग्राम देखेंगे बहुत सी कोडिंग देखेंगे बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे साथ में तो फॉरलुप और बाइल लुक का बहुत यूज़ होने वाला है फॉर लुक बाइड लुप इफ कंडीशन तो ये सारे कन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे वन बाय वन ओके तो अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है तो नेक्स्ट ने क्या ब्रांचिंग और जंपिंग स्टेटमेंट है तो ये भी एक जरूरी होता है कि क्यों यूज करते हैं तो पाइथन हैज एन अनकंडीशनल जंपिंग स्टेटमेंट एंड दे आर ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट तो ये वन बाय वन देखेंगे कि ब्रेक क्या होता है एंड कंटिन्यू क्या होता है तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है कि ब्रेक कैन यूज टू अनकंडीशनली जंप आउट ऑफ लूप मतलब कि एक लूप पे चल रहा हूँ मैं अभी ज़ीरो वन टू थ्री लेकिन मैंने उसकी लेंथ मतलब रेंज कुछ हंड्रेड तक डाली है सपोज किया टेन तक डाली है लेकिन मुझे फिर उसको एक पर्टिकुलर कंडीशन पे ही ब्रेक करना है कि अगर समझ भाई कि अगर तेरे को सेवन नंबर मिल गया सेवन सेवन नंबर आ गया तो आप ब्रेक कर दे आगे का आल्ट्रेशन करें मत तो फिर हम वहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे ओके तो ब्रेक कैन यूज to unconditionally jump out of a loop it terminates the execution of the loop break can be used in while loop or for loop hum ye dono loop mein use kar sakte break is mostly required when because of some external condition we need to execute from a loop ha matlab ki agar koi condition hai इस कंडीशन पे हमको लूप को रोकना है तो हम ब्रेक यूज करेंगे ओके okay? तो इस तरह से आप देखिए कि कंडीशन है अगर वो ट्रू रही तो नीचे फ्लो होगा स्टेटमेंट उसका एग्जीक्यूट होगा फिर अगर यहाँ पे अगर ये स्टेटमेंट आते हैं उनको ब्रेक करना है तो यहाँ पे बीच में ब्रेक डाल देंगे और फिर वो ब्रेक पे वो बाहर निकल जाएंगे लूप के और फिर यहाँ पे प्रिंट कर देंगे लेकिन अगर सपोज यहाँ पे ब्रेक नहीं रहता फिर ऐसे ही लूप में वापस जाता ओके तो इसको हम इसे हम ब्रेक कहते हैं तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं ब्रेक का जैसे कि अभी नंबर का ही लेते हैं आपको इजी हो जाएगा समझने के लिए फॉर आई इन रेंज टेन तक ओके okay. तो फिर आप पे अगर मैं प्रिंट आई करूंगा तो क्या होगा तो ये क्या होगा कि ये जीरो से लेकर नाइन तक वन बाय वन प्रिंट करेंगा ओके okay, क्योंकि आई की वैल्यू वन से इंक्रीमेंट होती है हर बार हर हाइड्रेशन में ओके okay? तो अब मैं करके दिखाता हूं आपको एक बार ये देखिए जीरो से नाइन तक प्रिंट हो चुका है ओके okay? लेकिन अगर मैं अब बोलू कि इफ आई इक्वस टू इक्वस टू सेवन रहा तो ये ब्रेक कर दो ओके तो ध्यान दीजिए कि आई टू इक्व टू सेवन मतलब कि i अगर सेवन रहा तो ब्रेक कर देना लूप को आगे का प्रिंट ही मत करना एट नाइन एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो देखिए बराबर जब यहाँ पे सेवन आया उसने रोक दिया उसने प्रिंट भी नहीं किया वो डायरेक्ट लूप के बाहर ही आ गया तो इस तरह से हम ब्रेक का स्टेटमेंट यूज कर सकते कि जहाँ पर हम कोई कंडीशन लेके ब्रेक डाल देंगे वहीं पर लूप ब्रेक हो जाएंगे वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे आगे का तो इस तरह से हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं तो अभी कंटिन्यू स्टेटमेंट देखते हैं कि द कंटिन्यू स्टेटमेंट इन पाइथन रिटर्स द कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द वाइल्ड लूप ओके मतलब कि वो अगर कोई लूप की कोई कंडीशन को मीट करता है तो उससे हम कंटिन्यू करते हैं तो फिर वो आगे का एग्जीक्यूट नहीं करेंगे वो आज कंटिन्यू करेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट रिजेक्ट ऑल द रिमेनिंग स्टेटमेंट इन द करंट आइट्रेशन फॉर द लुप एंड कंट्रोल बैक टू द टॉप जैसे मैंने अभी कहा था कि अगर कोई कंटिन्यू डालते हैं हम तो आगे बढ़ेंगे नहीं वो वहीं से वापस से टॉप पे चला जाएगा लूप में तो देखिए ये आप कंडीशन है अगर वो ट्रू होती है तो स्टेटमेंट और फिर यहाँ पे कंटिन्यू रहता है तो फिर वो आगे का स्टेटमेंट एग्जीक्यूटिव नहीं करेंगे वो यही से वापस ऊपर चला जाएगा तो इस तरह से हम कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करते तो तब जैसे कि अब मैं यहाँ पे बताऊँ कि अगर आई इक्वल्स टू फाइव रहा तो कंटिन्यू कर दे भाई तो वो यहाँ पे क्या करेगा देखते हैं अब प्रिंट करता हूं तब देखिए कि जीरो प्रिंट हुआ वन प्रिंट हुआ टू प्रिंट हुआ थ्री प्रिंट हुआ फोर प्रिंट हुआ लेकिन फाइव प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि मैंने उसे क्या कहा है कि इफ आई इक्वल्स टू इक्वल टू फाइव रहा तो भाई बस कंटिन्यू कर मतलब कि वापस ऊपर चला जा आगे कंटिन्यू मत कर पहले तू लूप में ही रहे लेकिन कंटिन्यू कर वापस टॉप पे चला जा तो उसने फाइव को जो उसका नीचे का स्टेटमेंट है वो प्रिंट ही नहीं किया वो वापस टॉप पे चला गया तो इसलिए यहाँ पे फाइव प्रिंट नहीं हुआ सिक्स सेवन एट नाइन प्रिंट हुआ ओके तो इस तरह से हम कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करते हैं तो अभी ऐसा और एक स्टेटमेंट है पास्ट का पास्ट तो क्या होता है कि पास्ट स्टेटमेंट इन पाइथन इफ यूथ वेन स्टेटमेंट इट रिक्वायर्ड सिंथेटिकली बट यू डू नॉट वांट टू डू नॉट वांट एनी कम ऑफ कोड टू एग्जीक्यूट मतलब एक नन ऑपरेटर है मतलब कि अगर कोई हम ब्लॉक ऐसा लिखते हैं इफ करो या फिर फॉर लूप करो हो वाइल लुपर कोई ब्लॉक हमेशा एम डी छोड़ नहीं सकते तो आप देख सकते हो यहाँ एरर बता रहा है लगे तो मैं यहाँ पे रन करके बताता हूँ तुरंत एरर बताएगा देखिए इंडेंटेशन एरर तो यहाँ पे एरर बताए तो हम कोई भी ब्लॉक को ऐसा ओपन या फिर एम छोड़ नहीं सकते तो वहाँ पे एक स्टेटमेंट हमें लिखना पड़ता है तो यहाँ पे जैसे कि अगर मैं पास लिख दिया तो फिर एक नल ऑपरेटर है कि अगर इफ आई इक्व मतलब कि इफ आई इक्व फायर आया तो कुछ मतलब बस एक एम ब्लॉक है वो रेन दे वे ओके तो इसे हम पास बोलते तो पास ऑपरेटर इज जस्ट अ नल ऑपरेटर ओके नथिंग हैपन्स वेन इट एग्जीक्यूट मतलब कि हमें अभी ब्लॉक लिखना है लेकिन हम उसे एम डी छोड़ नहीं सकते अभी के लिए कोई कंडीशन लिखनी है तो उसे हम सिर्फ पास कर देंगे ओके सो द दास्ट स्टेटमेंट इज अ नन ऑपरेशन नथिंग हैपेंस व्हेन इट्स एग्जीक्यूट द पास इज आल्सो यूजफुल इन वेयर द कोड विल इवेंचुअली गो बट हैज नॉट रिटर्न येट ओके तो यह आप पे एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं हाँ तो आप देखिए कि यहाँ पे मैं फॉर लूप में पूरे लूप को पास लिख रहा हूँ ओके okay, मतलब लूप बनाया मैंने फॉर लूप और उसके ब्लॉक में मैंने सिर्फ पास लिखा है तो हम देखते क्या होता है देखिए कुछ होता नहीं है बस एक रहता है लेकिन अगर मैं इस प्रिंट को बाहर निकाल दूँ, फॉर लूप के बाहर ही अभी ओके okay? और फिर मैंने यहाँ पे मेरे देखिए यहाँ पे आय सिर्फ नाइन प्रिंट हुआ है क्योंकि जो आखिरी आइट्रेशन होता है वो आय का वो नाइन है तो यहाँ पे नाइन प्रिंट हुआ है ओके तो या, या फिर हम यहाँ पे ऐसा बाय लिख देते हैं तो देखिए यहाँ पे फॉर लुक लिखा तो है लेकिन एग्जीक्यूटिव नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं सिर्फ हमने पास लिख के रखा है वहाँ पे ना प्रिंट है ना कुछ है लेकिन अगर हम यहाँ पे पाथ नहीं लिखते थे एंड फिर प्रिंट करने का ट्राई करते रन करने का ट्राई करते देखिए यहाँ पे एरर बताएंगा ओके तो हम ऐसा कोई ब्लॉक को ओपन छोड़ नहीं सकते उसमें एक स्टेटमेंट तो बिछाइए तो ये नल ऑपरेशन यूज़ करते हैं हम पाथ का तो फॉर लुप तो है लेकिन वो फॉर लुक एग्जीक्यूट करके वो नीचे भी जा रहा है मतलब हमारा कोड कहीं एरर नहीं बताएंगा वो ब्रेक नहीं होगा वो कंटिन्यू चलेगा कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा तो इस इसलिए लाइन नंबर थ्री से लाइन नंबर फोर तक गया वाइट्रेशन हुआ उसका पास था वापिस जब कोई एरर नहीं आया फिर लाइन नंबर फाइव चला गया वो ओके तो इस तरह से हम पास स्टेटमेंट यूज करते हैं तो ये अभी एक बार वापस से डिफरेंस देख लिखते हैं कि ब्रेक और कंटिन्यू में डिफरेंस क्या है तो ब्रेक टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ द रिमेनिंग आइट्रेशन ऑफ द लोक जैसे मैंने बताया था कि ब्रेक अगर ब्रेक अपन लिख लेते तो पूरा ब्लॉक ही तोड़ देंगे वो वही फिर रुक देंगे लेकिन टर्मिनेट ओनली करंट आइड्रेशन को रोकता है ओके okay, मतलब कि कंटिन्यू जो है वो टर्मिनेट ओनली द करंट आइड्रेशन जो जो सिंगल हाइट्रेशन तब चार होता है उसको रो, रोक देता है वो आगे नहीं जाता है अगले आइड्रेशन पे चलता है ब्रेक रिज्यूम द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम टू द एंड एंड ऑफ द लूप एंड क्लोजिंग दट ब्रेक मतलब वही कि वो ब्रेक जो है वो पूरा लूप को क्लोज कर देता है लेकिन कंटिन्यू जो है वो एक सिंगल आइट्रेशन को क्लोज करता है पूरे लूप को नहीं ओके इट कॉजेज अर्ली टर्मिनेशन ऑफ द लूप इट कॉजेज अर्ली एग्जीक्यूशन ऑफ द नेक्स्ट आइट्रेशन ओके द ब्रेक स्टॉप द कंटिन्यूशन ऑफ द लूप कंटिन्यू डो नॉट स्टॉप द कंटिन्यूशन ऑफ द लूप इट स्टॉप द करंट आइट्रेशन मतलब सिर्फ सिंपल काम है ब्रेक जो है वो पूरे लूप को ब्रेक कर देता है और कंटिन्यू जो है वो सिंगल आइट्रेशन को ब्रेक कर देता है इतना ही डिफरेंस है वाइज ओके तो इस वीडियो में हमने फॉर लुप और वाइल्ड लुप क्लियर कर लिए हैं हम आगे आगे के वीडियोस में और प्रोग्रामिंग की वीडियोस में देखेंगे कि फॉर लुप का अच्छे से यूज़ का करेंगे वाइल्ड लुप का यूज़ कैसे करेंगे ये जैसे जैसे हम अलग अलग, अलग प्रोग्राम देखेंगे तो वैसे वैसे ही यूज़ होगा और वैसे वैसे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इन दोनों लूप में और हमने फिर ब्रेक का भी देखा कंटिन्यू का भी देखा और पास स्टेटमेंट भी देखा तो हमारा आइट्रेशन पूरा क्लियर हो चुका है गाई तो अभी आज के लिए तो इतना ही मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में ओके थैंक यू